अगर आप BNMU के पार्ट वन के स्टूडेंट हैं और आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि पार्ट वन की परीक्षा कब आयोजित की जाएगी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 16 जनवरी से आयोजित की जानी थी, लेकिन अब यह परीक्षा पार्ट वन की परीक्षा 22 जनवरी से आयोजित की जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि BN मंडल विश्वविद्यालय के स्नातक पार्ट वन 2018 की 16 जनवरी से होने वाली परीक्षा की तिथि बढ़ा दी गई है। वह परीक्षा अब 22 जनवरी से शुरू की जाएगी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर नवीन कुमार ने बताया कि पार्ट वन 2018 की परीक्षा 22 जनवरी से 5 फरवरी तक होगी। इसके लिए पूर्णिया और BN मंडल विश्वविद्यालय के क्षेत्राधीन 31 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। BNMU के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि प्रोविसी डॉक्टर फारूक अली के आदेश पर परीक्षा की तिथि संबंधित जानकारी राजभवन को भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया विश्वविद्यालय ने छात्रों का परीक्षा फॉर्म BNMU को जमा कराया है, लेकिन उन्होंने छात्रों का शुल्क जमा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी तक शुल्क जमा नहीं होने पर PU के छात्रों का एडमिट कार्ड निर्गत नहीं किया जाएगा। सारा जवाबदेही PU की होगी। परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि PU द्वारा समय पर परीक्षा प्रपत्र नहीं भेजने के कारण परीक्षा की तिथि बढ़ानी पड़ी। तो इस प्रकार से आपने जान लिया है कि पार्ट वन की परीक्षा अब जो है 22 जनवरी से शुरू होगी। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि परीक्षा जो 22 जनवरी से शुरू होने जा रही है, इनका प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट, आपका सेंटर कहां पर पड़ा है, तो आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को ढूंढ करके देख सकते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो BNMU से संबंधित जानकारी हेतु मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।